नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी विधायक रिवाबा जडेजा को आज गुस्सा बहुत आ रहा है और इस गुस्से में उन्होंने जामनगर की सांसद और मेयर सबको लपेट लिया। सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि कैसे वो फायर है। दरअसल रिवाबा जडेजा भड़की हुई हैं मेयर बीनाबेन कोठारी पर और ये जो उनका झगड़ा है पुराना चला आ रहा है चुनाव के दौरान से ही, क्योंकि जब रिवाबा चुनाव मैदान में आई थी तो किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि विरोध ना हो। कुछ लोग विरोध करने वाले भी होंगे, मेयर हो सकता है कि उनकी विरोधी रही हों। बाद के दिनों में भी कुछ ऐसे समीकरण बने जिसमें मेयर से उनकी नहीं पटी। तो हुआ क्या कि लाखोटा झील पर मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम था उसको लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें पुलिस प्रशासन के अफसर भी हैं, पुलिस भी काफ़ी संख्या में है, सांसद जो वहाँ से हैं पूनम मैडम वो हैं, मेयर बीनाबेन कोठारी हैं और जामनगर नॉर्थ से खुद जो MLA हैं रिवाबा जडेजा वो भी हैं। तभी क्या होता है कि किसी बात को लेकर के दोनों में तू मैं शुरू हो जाती है और ये कह देती है कि ज़्यादा मेयर से कि ज़्यादा होशियार मत बनिए, शांत रहिए, मैं सब जानती हूँ किसने विरोध किया, क्या क्या किया है। बीच बिचाव करने के लिए पूनम मैडम आती हैं लेकिन उनकी भी वो सुन के नहीं देती है, बड़ी मुश्किल से वो शांत होती है। हालांकि बाद में उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की कि क्यों भड़की, लेकिन बात उससे बनती हुई नहीं दिखी। अब तो ये पब्लिक में जाना था, पब्लिक में सब कुछ चला गया कि मेयर और सांसद से भिड़ी रिवाबा जडेजा और इसकी खासी चर्चा हो रही है। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में बहुत दिनों तक रहती है, जैसे कि गुजरात में BJP है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से कंट्रोल है, अनुशासन है, तो सब लोग अनुशासन में ही है, कुछ ना कुछ आपस में भी रिफ्ट होती ही होती है। वही रिफ्ट जामनगर में भी हो रही है और उसी की झलक दिखाई पड़ी है मेयर विधायक और सांसद के बीच में। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रही है और जो विरोधी हैं वो मजे ले रहे हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए। Thank you.